प्रिय, और अलग अलग पूजा पंडालों का भ्रमण आपको करा रहे हैं, माता के दर्शन हम करा रहे हैं, और उन पूजा पंडालों में क्या कुछ संदेश है वो भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन आपको हम रांची के एक ऐसे पूजा पंडाल में लिए चलते हैं जहां पूरे आयोजन ही एक संदेश देता है, एक मजबूत संदेश देता है। क्या वो संदेश है, सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत का, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सत्यव्रत, जैसा मैं दर्शकों को बता रहा था कि पूजा पंडाल से क्या संदेश दिया जा रहा है ये हम आप दर्शकों को बता रहे थे, लेकिन पूरा आयोजन ही एक संदेश दे रहा है, एक मजबूत संदेश दे रहा है। सीधे आपका रुख करेंगे, आप ही बताइए कि वो क्या संदेश है, कहाँ है आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा शारिफ आपने कि हर पूजा पंडाल एक अलग संदेश देता है समाज को। लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पिछले 1956 से लगातार इस पूजा समिति के द्वारा, यानी कि इस पूरे आयोजन के द्वारा सभी को यह मैसेज दिया जाता है। आपको भी पता है शारिफ कि अपने राजधानी रांची की बात करें, अपने शहर की अगर बात करें, तो अपने शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आपसी भाईचारे और सौहार्द के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हैं, बाहरी हैं, जो कि अपने लोगों को बरगला रहे हैं, और लगातार आप देख रहे होंगे कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों के लिए यह खबर है कि मैं इस वक्त रांची के करबला चौक के पास खड़ा हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि यह पूरा जो मोहल्ला है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी मुस्लिम भाइयों की संख्या इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा है। और पिछले 1956 से यहाँ भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। दूसरी एक तस्वीर दिखाऊंगा, बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा कि ठीक पूजा पंडाल के सामने एक मुस्लिम होटल है, और देखिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से दुर्गोत्सव मनाते हैं। मुस्लिम होटल को पूरी तरह से कपड़े से ढक दिया गया है ताकि जो भी माँ के भक्त करबला चौक स्थित इस पूजा समिति पहुंचे, माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। दूसरी तरफ जो यह पूजा पंडाल है, यहाँ के जो सदस्य हैं वो न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि मुस्लिम भी हैं, और पूरे उत्साह के साथ हर साल माँ की आराधना में लगे रहते हैं। कैसे इस पूजा को सफल बनाया जाए उसके लिए मुस्लिम, हिंदू, हर धर्म के लोग लगे रहते हैं। तो ये खबर देखने की जरूरत है उन लोगों को जो समय समय पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माँ के इस प्रतिमा को देखिए शारिफ, माँ जो कि इस पूरे मोहल्ले के लोगों को आशीर्वाद देने पहुंची है, करबला चौक के स्थानीय लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं ताकि हर व्यक्ति अपने घर में सुख रहे, स्वस्थ रहे, और इसी तरह से आपसी भाईचारे के साथ रहे। रामचंद्र राउत जी हैं, जब तक रामचंद्र राउत जी और उनके ठीक सामने अफरोज जी और इनके साथ जितने भी लोग हैं, जब तक ऐसे लोग रहेंगे शारिफ, कोई भी दहशत गर्द लाख कोशिश कर ले, हम नहीं लड़ेंगे, शारिफ नहीं लड़ेंगे, और हमारे पीछे जो हमारे कैमरा पर्सन है रिंकू हुसैन, जब तक हम जैसे लोग हैं शारिफ, किसी को उनके मनसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम रामचंद्र जी से बात करते हैं कि सर, कब से यहाँ दुर्गोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, कब से माँ की यहाँ प्रतिमा विराजमान की गई है, और ये जो पूरा परिसर है वहाँ पहले से एक प्राचीन मंदिर भी रहा है। यहाँ करीब 1956 से लगातार पूजा हो रहा है सर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ सब हिंदू और मुसलमान मिल करके सहयोग देते हैं और पूजा करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो करबला चौक में पूजा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन लोग के सहयोग से यहाँ हर साल अच्छा से पूजा होता है, कोई तरह का कोई विघ्न नहीं होता है। 1956 से पूजा होता आ रहा है, और पूरे विधि विधान के साथ, पूरे उत्साह के साथ मोहल्ले के लोग मिल करके, खास करके हमारे अफरोज भाई पूरा समय देते हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक ही हमारे साथ रहे हैं सर। यही वजह है कि यहाँ पूजा बहुत अच्छा ढंग से होता है, कभी किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। बिल्कुल, अफरोज जी क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो चाहते हैं कि हम आप आपस में लड़ें? देखिए, ये तो करबला चौक दुर्गा मंदिर का हम लोग आपस का भाईचारा है,
और मंदिर के पदाधिकारी जो लोग हैं और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सभी मिलके सभी साथी लोग एक हम लोग भाईचारा का संदेश देने चाहेंगे वैसे लोगों को जिन्होंने अफवाह करके कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसको समाज में रहने का अधिकार भी नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटाने का काम करें। और सभी लोग हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा समिति के लोग और हम लोग यहाँ विसर्जन में भी साथ जाते हैं और भाईचारा से धूमधाम से मनाते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जानिए कि भाई एक शांति सद्भावना का एक प्रतीक, हम लोग बहुत अच्छा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, माहौल बिगाड़ने वाला कोशिश कर ले मगर करबला चौक में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कैसे सहयोग करते हैं? अभी आप बता रहे थे कि कहीं चंदा भी लेने जाना है आपको पूजा के आयोजन के लिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग तो अपना है, मंदिर के पदाधिकारी लोग जो हैं अपने सबके सहयोगी से होता है, इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले दें ताकि माँ दुर्गा पूजा के कोई कठिनाई ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग संपर्क करते हैं, दूसरे पदाधिकारी लोग भी संपर्क करते हैं लोगों से। बिल्कुल, रांची की एक खूबसूरती है कि यहाँ कोई भी त्यौहार हो हम हिंदू आप मुस्लिम आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। जी, ये जो है ये करबला चौक एक मिसाल देने का जगह है। ये झारखंड की राजधानी रांची के निकट करबला चौक में जो है दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जाता है, ये भव्य तरीके से बनाया जाता है और इसमें सारे समाज के लोग खास करके मुसलमान भी जम करके पार्टिसिपेट करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि हम लोग एक हैं, शांति और सद्भाव के साथ एकता के साथ सब मिलजुल करके इस त्यौहार में हाथ बटाते हैं कि ताकि जो गलत भावना लोग रखना चाहते हैं, गलत तरीका का साजिश करना चाहते हैं, यहाँ मुँह तोड़ उसका जवाब मिलता है। ये सद्भावना एक ऐसा मिसाल है, ये इस मिसाल को पूरे देश में लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का परिचय लोगों को देना चाहिए, ना कि विवाद में उलझना चाहिए। ये जो है करबला चौक ये एकता का प्रतीक है, एकता का मिसाल है, जो सब मिल करके तन मन धन लगा करके इस पूजा का आयोजन में हिस्सा लेते हैं और भाईचारगी का संदेश देते हैं। बिल्कुल, कि आप भी इस पूजा समिति के सदस्य हैं, युवा हैं, कितना गर्व महसूस होता है कि हमारे जो आसपास के मोहल्ले के जो लोग हैं वो इस तरह के लोग हैं कि दूसरे धर्म के होने के बावजूद माँ भगवती के उपासना में कोई कमी नहीं आए, आप लोगों के सहयोग में खड़े रहते हैं इस पूरे नवरात्र के दौरान। देखिए ये तो ना हिंदू का त्यौहार है ना मुस्लिम का त्यौहार, ये हमारे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का त्यौहार है, ठीक है। तो जिस तरह का ये यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं भाई साहब कि ये बहुत बड़ा फख्र की बात है कि ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं और इन्हीं लोग के सपोर्ट की वजह से हम लोग आज यहाँ पे इतना दूर तक चले हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। तो इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि साथ में रह के जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आगे भी करें ताकि हम लोग इससे भी अच्छा और कर सकें। बिल्कुल, आप करबला चौक के स्थानीय हैं, करबला चौक दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे करबला चौक के स्थानीय लोग पूरे देश को कि कैसे दुर्गोत्सव मनाया जाता है और कैसे आपसी भाईचारा दिखाया जाता है, वो शायद करबला चौक के इस पूजा समिति से सीखने की जरूरत है। देखिए हम लोग जब से होश संभाले तब से यहाँ पे दुर्गा पूजा समिति देखते आ रहे हैं और हम लोग मिलजुल के यहाँ पे मनाते हैं। ये दुर्गा पूजा के टाइम से समझिए कि विसर्जन तक जो है हम लोग साथ में रहते हैं, समझे ना, और आपस में सब मिलजुल के मनाते हैं, कभी कोई तरह का किसी से कोई बात नहीं, सब भाई की तरह हम लोग रहते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका और कैसे सहयोग करते हैं कि कैसे पूजा भव्य बने? हमारा नाम हुआ आबिद अंसारी, RJDA पार्टी से हम भी हैं और इसमें हम लोग सहयोग करते हैं कि कोई भी चीज़ में कभी भी कोई तरह की भी बात हो तो सब मिलजुल के आपस में मामला को सुलझाते हैं, बात को करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, कभी ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ आए दिन हम लोग बैठते भी हैं
जब ऐसी तस्वीरें रहेंगी सत्यव्रत, तो विवाद का तो नामो निशान रहने की जरूरत नहीं है सत्यव्रत। और आपके चेहरे की ये मुस्कान बता रही है कि हमने दर्शकों को क्या संदेश दिया है और क्या खबर दिखाई है। और जो आपने तस्वीरें दिखाई है उससे भी संदेश नहीं लिए है, तो संदेश उससे भी मजबूत न्यूज 11 भारत दे रहा है। जो सत्यव्रत आपने जिसका जिक्र किया कि सैयद शारिफ इब्राहिम स्टूडियो में बैठकर मां भगवती की किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, किस विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, इसकी जानकारी देता है। रिंकू हुसैन जो है वो माँ की भव्य तस्वीरों को कैद करता है और सत्यव्रत जानकारी देता है। इससे बेहतर मिसाल और संदेश शायद दुर्गा पूजा में नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, दिल से आपका शुक्रिया। बहुत ही संदेश भरी खबर आपने दिखाई है, तस्वीरें दिखाई है, आपका बेहद शुक्रिया सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।